हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के घर पर को संभाल कर जाना। तब वो लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। तब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने कहा, पूजा कि बेटी सहेली के याद से आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे खिलाऊंगी, अपने घर तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर की मिट्टी से चौकी लगाकर घर की सफाई कर ले। चार मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चिल उठाकर ले गया और उसके घर पर वह नौलखा हार डाल गया और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी हे लक्ष्मी जी, जैसा साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का दियो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।